एक बार ऐसा हुआ, एक तांत्रिक था और वो बूढ़ा हो रहा था। उसे पता था उसकी मौत नजदीक है, तो उसने क्या किया कि उसने अपने एक दर्जन हम शक्ल बना लिए ताकि जब मृत्यु के देवता आए, भारत में उन्हें यम कहा जाता है, वो एक बड़े भैंसे पर आते हैं, वो आए तो मृत्यु के देवता इस आदमी को लेने आए। वो आए और देखा कि 13 लोग हैं एक जैसे हम शक्ल, तो वो नहीं समझ पाए कि कौन कौन सा है। उन्होंने बहुत कोशिश की पर वो असली आदमी को नहीं पहचान पाए। फिर उन्हें इंसानों की एक कमी मालूम थी, इसलिए उन्होंने कहा हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी रचना में एक कमी है। तुरंत वो आदमी आ गया है, क्या कमी है दिखाओ मुझे। उन्होंने उसे पकड़ लिया और कहा यही कमी है, सिर्फ यही दोष है। आप समझे कि कहीं ना कहीं आप एक स्तर ऊपर होने का मजा लेते हैं, यही पूरा चक्कर है, वरना सब कुछ ठीक है। तो तरल चीजों को पीना, चाहे वो जहर हो या पारा हो या शराब, ये मुमकिन है। आपको अपना मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं है, आप उसे ऐसे ही पी सकते हैं। पर जब तक आप इस एक दोष से पीछा नहीं छुड़ा लेते, तब तक सब कुछ जहर बन जाता है। आज भी यही हुआ है। विज्ञान तकनीक को जीवन का अमृत होना चाहिए था, लेकिन यह हमारा जहर बन गया है। इसलिए नहीं कि विज्ञान में कुछ गलती है, नॉट बिकॉज देयर इज समथिंग रॉन्ग विद टेक्नोलॉजी, बिकॉज वी स्टिल हैव दिस फ्लॉ, वी आर स्टिल ट्राइंग टू बी वन अप ऑन समथिंग और समबडी। क्योंकि हम में अभी भी ये दोष है, हम अभी भी किसी चीज या इंसान से ऊपर होने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये दोष खत्म नहीं हो जाता, तब तक सब कुछ जहरीला है, सब कुछ एक समस्या है। इसकी वजह से इन सारी चीजों की सूरत बिगड़ गई है। यह असंभव नहीं है कि आप किसी मूरत को बनाकर उसे कुछ पिला सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, एक पूरा विज्ञान है जिसके जरिए कुछ खास चीजें की जा सकती हैं। लेकिन अब क्योंकि ऐसी कोई चीज कहीं हो गई है, इसलिए बाकी सारे लोग उससे फायदा उठाना चाहते हैं और वो इसे हर कहीं और कहीं भी इजाद करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से ये बेहुदा हो जाता है। इसलिए इन लाखों बेईमानों में कोई सच्चा ढूंढने की बजाय इसे छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि जीवन में असल में इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है। ये बस एक और कर्तव्य है, ये बस एक और कर्तव्य है कि मैं अपनी छोटी उंगली से एक चट्टान उठा सकता हूं, या मैं गुड़िया को एक गैलन क्या शराब, दूध या आप जो चाहें वो पिला सकता हूं। ये चीजें मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि ये सब मुमकिन नहीं है, पर इसका महत्व क्या है? आप साबित क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और किस लिए? अगर आपका मकसद परम तक पहुंचना है तो इन सब का कोई महत्व नहीं है। अगर आपका मकसद जीवन के छोटे पहलुओं के साथ कहीं पहुंचना है, तो हां, यह संभव है कि इसका कुछ महत्व हो। वैसी ही किसी चीज की तरह, जैसी आपकी विश्वविद्यालय की डिग्री है जिसका वाकई कोई उद्देश्य नहीं है। समाज में जिंदा रहने के अलावा असल में इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा है कि नहीं? सृष्टि की परम व्यवस्था में इसका कोई उद्देश्य नहीं है,